हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे इंग्लैंड के गांव कैसे होते हैं और वहां पे फार्मिंग के लिए किस प्रकार के टूल्स, किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इंग्लैंड के गांव का जीवन किस प्रकार का होता है और वहां के फार्मर्स और वहां के गाँव वाले किस प्रकार अपना जीवन व्यापक करते हैं। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। यह है इंग्लैंड का एक सुंदर सा गाँव। आज हम इस गाँव को घूमेंगे और जानेंगे वहाँ के गांव वालों का जीवन किस प्रकार का होता है। चलो दोस्तों चलते हैं गांव के अंदर और करते हैं गांव के एक सैर। मेरे साथ हैं रेचल एंड डेविड, इस गांव में रहते हैं और ये हमें अपना पूरा गांव दिखाएंगे। हमारे साथ साथ आगे साइकिल में जाएंगे जिससे हम इनका गांव घूम सकें। तो दोस्तों हम गांव के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से घर काफ़ी पुराने घर टाइप के बने हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े घर हैं और काफ़ी क्लीन रोड है यहाँ पे और काफ़ी साफ़ सुथरा घर है। आप जैसे कि बिल्डिंग देख सकते हो, पुरानी बिल्डिंग्स है लेकिन काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और ये गांव काफ़ी डेवलप्ड गांव है इंग्लैंड का। यहाँ पे रोड और सारी बुनियादी सुविधाएं हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हैं और बहुत ही अच्छे से ये गांव पूरा मेंटेन किया गया है। दोस्तों अब चलते हैं गाँव से बाहर और एक नज़र डालते हैं इंग्लैंड के खेतों के ऊपर। तो मेरे साथ हैं इस टाइम रेचल एंड डेविड, हम इनके पीछे पीछे जाएंगे और घूमेंगे इंग्लैंड के खेतों में। तो हमारे दोनों तरफ आप देख सकते हो कि पूरी तरह से खेत ही खेत हैं। दोस्तों इंग्लैंड के फार्मर अपने जीवन व्यापक के लिए अपनी खेतीबाड़ी और अपने पशुपालन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं और उनके लिए वह बहुत ही उच्च तकनीक का यूज़ करते हैं। जैसे कि खेतीबाड़ी के लिए उनके पास बहुत आधुनिक टूल्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, उसी तरह से डेयरी फार्मिंग के लिए, पशुपालन के लिए वह अपने बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सो इस टाइम आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के विलेजर्स अपनी गायों को अपने खेतों में चरा रहे हैं और ये सारे खेत, अधिकतर इंग्लैंड के विलेजर्स के पास बड़ी मात्रा में खेत उपलब्ध होते हैं। वहाँ पे जनसंख्या कम होने के कारण उनके पास खेत बहुत अधिक होते हैं जिसे वो अपने पशुपालन और अपने खेतीबाड़ी के यूज़ में लाते हैं। दोस्तों अब चलते हैं आगे और एक नज़र डालेंगे इंग्लैंड की खेतीबाड़ी के ऊपर। इंग्लैंड के फार्मर किस प्रकार की खेतीबाड़ी करते हैं और खेतीबाड़ी करने के लिए किस प्रकार का टूल्स और किस तरह का ट्रैक्टर्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इंग्लैंड के खेत में जहाँ पर इस टाइम ट्रैक्टर से जुताई का काम चल रहा है और ये काफ़ी विशाल ट्रैक्टर है, काफ़ी मॉडर्न और एडवांस ट्रैक्टर है। आप इनके पहिए देख सकते हैं, काफ़ी दो दो पहिए एक साइड में है, काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है और बहुत ही आसानी से और इतने बड़े खेत को बहुत ही जल्दी से इस ट्रैक्टर के सहायता से आप पूरे खेत में हल लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो इंग्लैंड के फार्मर्स अपनी फार्मिंग के लिए और एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए बहुत ही बड़ी, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर का काम करना हो या फिर हार्वेस्टिंग मशीन का काम करना हो या फिर उसके अलावा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं इंग्लैंड में दूसरी खेतीबाड़ी की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह बंद गोभी का एक खेत है जहाँ पर सिंचाई का काम चल रहा है। तो सिंचाई के लिए जो उन्होंने मेथड का यूज़ किया वो काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी एडवांस है। आप देख सकते हो ऊपर से पाइप के थ्रू पानी आ रहा है फावरों की तरफ, जो बहुत ही एडवांस और बहुत ही न्यू मेथड है। और इस टाइम हम देख रहे हैं कि एक इंग्लैंड के फार्मर हैं जो इस टाइम अपनी बंद गोभी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सो इंग्लैंड के फार्मर के पास बहुत ही बड़ी मात्रा में ज़मीन होने के कारण वह अपनी ज़मीन में, अपने खेतों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की खेतीबाड़ी करते हैं, जैसे कि बंद गोभी, टमाटर या दूसरे फसल। तो इस टाइम आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा ज़मीन का जो टुकड़ा है यहाँ पे इन्होंने ओनली बंद गोभी का काम किया हुआ है। दोस्तों इंग्लैंड के फार्मर विश्व में काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली और एडवांस हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।